हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमेहा और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, चाहे केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, कुछ भी हो, उसमें भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास से दो चार क्वेश्चन या चार क्वेश्चन कंपल्सरी है कि आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास का पार्ट वन है, फिर इसका पार्ट वन भी आएगा एक दिन के बाद। तो जो मैं आज बता रही हूँ उसमें जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं उन्हीं टॉपिक को मैं इसमें ऐड की हूँ। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको अवॉइड की हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। उसके बाद आप कोई इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो कहीं भी गलती नहीं करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पार्ट वन पार्ट टू दोनों देख करके। तो चलिए इस पार्ट वन वीडियो को भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो भारत की शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो पहला है वेद काल। वेद काल को 2000 से 1000 ईसा पूर्व पहले था। महाकाव्य काल दूसरा है। महाकाव्य काल, महाकाव्य काल 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका काल था। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसका समय था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर आता है नालंदा काल, 300 ईस्वी में हो जाता है। और ये सब ऊपर का जितने हैं वेद काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल ईसा पूर्व में है। तो नालंदा काल 300 ईस्वी। और फिर आता है राजपूत काल, राजपूत काल 300 से 1200 ईस्वी। फिर आता है मुस्लिम काल, मुस्लिम काल 1200 से 1750 ईस्वी। सातवां है ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल 1750 से 1947 ईस्वी। आठवां स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा का विकास। तो ये पार्ट वन वीडियो है, इसमें मैं वेद काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, मुस्लिम काल के बारे में डिटेल में बात करूंगी, और ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में पार्ट टू वीडियो में बात होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट वन वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में। पहला है वेद काल, जिसका समय था 2000 से 1000 ईसा पूर्व। तो वेद काल में आर्य जाति का वर्णन मिलता है, और ये आर्य जाति जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। और मध्य एशिया से आकर कहाँ बसे हुए थे? गंगा और सिंधु के मैदान में। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आर्य जाति का इस वेद काल में वर्णन मिलता है, और ये भी ज्ञान होना चाहिए वो कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे और गंगा सिंधु के मैदान में बसे हुए थे। और ये बहुत ही ऊंचे कद वाले थे, हष्ट पुष्ट शरीर के रहा करते थे, और कृषक वाला जिंदगी व्यतीत करते थे, मतलब कृषि कार्य ज्यादा करते थे ये लोग। तो वेद काल में ये सब था। और यहाँ के लोग तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी और रथ सवारी में दृढ़ थे, इन सब चीज़ों में बहुत ही दृढ़ थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि योग की उत्पत्ति जो है वैदिक काल में ही हुआ। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि योग की उत्पत्ति किस काल में हुआ। तो इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुआ। और सूर्य नमस्कार भी, सूर्य नमस्कार उस समय का अभिन्न अंग था। और यहाँ के लोग अपने योगासन करते थे अपने शरीर को दृढ़ रखने के लिए, मन को विकसित करने के लिए। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि योग की उत्पत्ति वेद काल में हुई, सूर्य नमस्कार यहाँ बहुत प्रसिद्ध था, अभिन्न अंग था। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो योग की उत्पत्ति कहाँ हुई इसको जरूर याद कर लीजिए, तो वेद काल में के समय में हुआ। दूसरा है महाकाव्य काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो दोस्तों ये समय जरूर याद कर लीजिए कि वेद काल का समय क्या था, महाकाव्य काल का समय क्या था। तो वेद काल का 2000 से 1000 ईसा पूर्व था, तो महाकाव्य काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व है, ये भी पूछता है, ये याद रखना जरूरी है। तो इसको बस एक दो बार ध्यान से देख लीजिए तो याद हो जाएगा।
तो ये महाकाव्य काल तो आप जान ही रहे हैं, तो महाकाव्य काल में रामायण महाभारत आदि आदि महाकाव्यों की रचना हुआ था। और प्लस में जो आर्य लोग आए थे वेद काल में, उन लोगों की वीर गाथाओं का महाकाव्य काल में वर्णन हुआ है। और क्या था कि महाकाव्य काल में जो शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, मतलब शारीरिक शिक्षा एक समान शिक्षा के बराबर का उसका मतलब सम्मान था, मतलब महत्वपूर्ण अंश था शारीरिक शिक्षा। आज के समय में भले उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, बट पहले आप जानते हैं कि 25 वर्ष तक पहले के लोग महाकाव्य काल या वेद काल के समय क्या होता था कि 25 वर्ष में शारीरिक मानसिक शारीरिक हर तरह से उसको पारंगत कर दिया जाता था। और उस काल में तीरंदाजी, भाला फेंकना, तलवार से लड़ाई करना, कुश्ती, तैरना, नृत्य बहुत ही प्रचलित था। तो ये भी यहाँ के नृत्य किसमें प्रचलित था, महाकाव्य काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था नृत्य। और यहाँ तक्षशिला महाकाव्य काल में जो तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला जैसे महान संस्थाएं आ चुके थे जिन्हें ज्ञान का केंद्र माना जाता था, तो ये उस समय का बहुत ही पॉपुलर स्थान था तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मिथिला, ये सब महाकाव्य काल के समय। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि तीरंदाजी धनुर्विद्या तक्षशिला में एक विशेष विषय था। तो क्वेश्चन यहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि तक्षशिला में किसका अध्ययन होता था, क्या चीज सिखाया जाता था सबसे ज्यादा, तो तीरंदाजी। और इस सबके विषय के एक विशेष अध्यापक होते थे, ठीक। और सम्राटों तथा उच्च अधिकारियों में आखेट काफी प्रचलित था। महाकाव्य काल में जो सम्राट होते थे, जो उच्च अधिकारी होते थे, वो सब में आखेट जो है बहुत ही प्रचलित, मतलब शिकार करना ये सब करना। और गुरुकुल में 25 वर्ष की आयु में, वहाँ मैं इसको बता चुकी हूँ कि 25 वर्ष की आयु में शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा रण कौशल में वो सब पारंगत हो जाते थे। ऐतिहासिक काल जिसका समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस काल में क्या था कि इस काल में भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और एक छोटे छोटे राज्यों पर बड़े बड़े राजवंशों का राज था। और ये जो राजा थे आपस में ही एक राजा से दूसरे राजा से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य पर लड़ते रहते थे। ऐसे में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ इस टाइम। और जन सामान्य में क्या था कि हिंदू धर्म के प्रति एक असंतोष आने लगा, ऐसा परिस्थिति हो गया था। अब बुद्ध और जैन धर्मों ने इस स्थिति को संभाला और अहिंसा और शांति पर बल दिया। और इस तो इस समय और क्या था कि इस काल में मेगास्थनीज, जिसे आप सभी लोग परिचित होंगे मेगास्थनीज से, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय सिकंदर के साथ उसके सेनापति सेलिकस जो था उसके साथ राजदूत बनकर भारत देश आया था, और जिस सिकंदर को चाणक्य जी ने अपने नीतियों से भारत से जाने पर मजबूर कर दिया था, तो उसी के साथ आए हुए मेगास्थनीज ने, जो राजदूत बनकर आया था भारत देश में, उन्होंने उस समय मौर्य काल के राज्यकाल के दौरान शारीरिक शिक्षा तथा उस समय शस्त्र प्रशिक्षण का क्या वर्णन था, उन सब के बारे में वो उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और इस समय मल्लयुद्ध, धावन, मल्लयुद्ध का मतलब कुश्ती वगैरह ये सब, अधावन, कूद, भला प्रक्षेपण, रथ दौड़ बहुत ही प्रचलित था। अशोक का सैन्य दल अत्यंत प्रबल था। इसी काल में अशोक का भी राज आता है। अशोक के बारे में तो आप सभी लोग परिचित ही हैं। इस ऐतिहासिक काल में उसका सैन्य दल बहुत ही प्रचंड था। कलिंग युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं कितना युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण बहुत अच्छे से दिया जाता था और अत्यंत प्रचंड रूप से दिया जाता था। तो ये था ऐतिहासिक काल का समय। चौथा है नालंदा काल जिसका समय है 300 ईस्वी। नालंदा काल में क्या था कि नालंदा नामक विश्वविद्यालय इस समय बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, और नालंदा शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ धार्मिक से लेकर वैज्ञानिक बौद्धिक प्राचार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया जाता था।
इस काल में शारीरिक शिक्षा का बहुत ही अच्छा ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता था। इस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार जो है क्रिया प्रतिदिन करना अनिवार्य था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किस काल में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना अनिवार्य था, तो नालंदा काल में। यहाँ ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नालंदा काल में, कि पैदल चलना बहुत लोकप्रिय था। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दो बन सकता है कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार प्रतिदिन आवश्यक था, अनिवार्य रूप से किया जाता था, तो नालंदा काल में। पैदल चलना बहुत लोकप्रिय किस काल में था, तो नालंदा काल में। और यहाँ योगाभ्यास, अश्वारोहण, कुश्ती सामान्य तौर पर होता था। तो ये दो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा काल है राजपूत काल, जिसका 100 से 1200 ईस्वी था। यह काल जो है, इस काल में हिंदू धर्म का पुनः उदय हुआ। जिस हिंदू धर्म का अपने धर्म के प्रति असंतोष ऐतिहासिक काल में हो रहा था, तो राजपूत काल में उनका पुनः उदय हुआ और इसे शौर्य काल भी कहा जाता है। और राजपूत बड़े हठी स्वभाव के हुआ करते थे, जो कई कबीलों में बटे हुए थे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे और अपने को विशुद्ध क्षत्रिय कहलवाते थे लोगों से। और वे शूरवीर थे और युद्ध की ही उनका व्यवसाय था। इसलिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से प्रशस्त था। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा पे बहुत ही ध्यान दिया जाता था, मतलब पूरा ध्यान दिया जाता था। और राजपूत के बच्चों को कटार तथा खड्ग के चलाने का पाठ पढ़ाया जाता था। जो राजपूत होते थे वो अपने बच्चों को कटार और खड्ग चलाने का पाठ पढ़ाया करते थे। राजपूत स्त्रियों के जौहर आत्मदाह प्रथा था उस समय। यह संसार में एक अतुलनीय दुस्साहित कार्य हुआ करता था ए राजपूत काल में। तलवार से एक बार में, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, मतलब एक याद करने वाला बात है कि तलवार से एक बार में ही किसी पशु का सिर धड़ से अलग कर देना राजपूत बालकों को सिखाया जाता था। तो ये हमको लगता है ये सभी इंपॉर्टेंट है। कुश्ती तथा शिकार काफ़ी प्रचलित था इस राज्य में। इस काल में शतरंज सबसे अधिक प्रचलित खेल रहा है। राजपूत काल में लोग शतरंज बहुत ज़्यादा खेलते थे। छठवां है मुस्लिम काल। मुस्लिम काल का टाइम है 1200 से 1750 ईस्वी। इस काल में योग पर प्रतिबंध हो गया था। तो योग की शुरुआत कहाँ से हुआ था, वैदिक काल में। और योग पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, मुस्लिम काल में, ये याद कर लीजिए। और योग पर प्रतिबंध मुस्लिम काल में क्यों लगाया गया था, इसका कारण है कि इस काल में हिंदू और मुसलमानों में सत्ता के लिए दोनों में होड़ लगी हुई थी, दौड़ लगी हुई थी। और शारीरिक शिक्षा का यहाँ पे मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था कि युद्ध में तत्परता प्राप्त करना, इस युद्ध में कौशल प्राप्त करना। और धार्मिक भावनाओं के कारण हिंदू और मुसलमानों में हमेशा काफ़ी दूरी रहा करता था इस टाइम, और एक दूसरे के पारंपरिक जीवन को अच्छी दृष्टि से ये सब नहीं देखते थे। इसी कारण योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस टाइम मुस्लिम काल में घुड़सवारी जो था काफ़ी प्रचलित था। वो किस लिए प्रसिद्ध था, शिकार और आनंद के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे कुश्ती को राजकीय संरक्षण प्राप्त मिला हुआ था। कुश्ती गांव में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही प्रचलित था उस टाइम। मुक्केबाजी को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था मुस्लिम काल में। और अच्छे मुक्केबाज जो थे वो ईरान से लाए जाते थे। कहाँ से मंगाए जाते थे अच्छे मुक्केबाज, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम काल में अच्छे मुक्केबाज कहाँ से लाए जाते थे, तो ईरान से लाए जाते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कबूतरों को प्रशिक्षित करके संदेशवाहक का कार्य यहाँ कराया जाता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि कबूतरों को प्रशिक्षित करके संदेशवाहक का कार्य किस काल में कराया जाता था, तो यहाँ आंसर होगा मुस्लिम काल। और यहाँ पे जो था तैराकी जो था, सैनिकों के लिए तैराकी सीखना बहुत ही अनिवार्य था। किस लिए अनिवार्य था, कि यहाँ आत्मरक्षा और आक्रमण में ये लोग सैनिक लोग सहायक होते थे। यहाँ चौगान को शायद पोलो भी कहते हैं। तो चौगान एक प्रसिद्ध प्रचलित खेल था उस टाइम मुस्लिम काल में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय ही हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या खेलते समय हुआ, चौगान खेलते समय। राज अधिकारियों को आखेट खेलना इसमें बहुत ही प्रिय था मुस्लिम काल में। राज दरबारियों एवं जनमानस में पशु भिड़ंत बहुत ही प्रचलित था।
शतरंज हो गया, चौपड़, पच्चीसी, ये सब गेम जो था, ये सब खेल मुस्लिम काल में बहुत ही प्रसिद्ध था। तो इसको याद कर लीजिए, शतरंज हो गया, चौपड़ हो गया, पच्चीसी हो गया, चौगान हो गया, ये मुस्लिम काल में काफ़ी प्रसिद्ध थे। चौपड़, चौपड़ भारत का प्राचीन खेल था। यह कपड़े के टुकड़े पर खेली जाती जिसकी चार कोने होते थे तथा प्रत्येक कोने में 24 वर्ग थे। चार कोने विभिन्न रंग के, मतलब चारों कोने अलग अलग रंग के रहते थे। पच्चीसी जो है ये भी भारत में प्राचीन में खेला जाता था, जो एलोरा महाराष्ट्र की गुफाओं में अंकित हुआ मिलता है इस टाइम। यह भी चौपड़ की भांति कपड़े पर ही खेला जाता था। यह कौड़ियों से खेला जाता है जिसकी संख्या आठ होती है, होती थी। अकबर के समय यह बहुत प्रचलित था। पच्चीसी किसके समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था? अकबर के समय। अकबर ने इस खेल के लिए फतेहपुर सीकरी में संगमरमर के वर्ग बनवाए हुए थे, जो आज भी दृष्टव्य है, देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज मेरा शारीरिक शिक्षा के इतिहास में वेदकाल के बारे में मैंने बताया, और महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा का, राजपूत काल, मुस्लिम काल, इन छह काल के बारे में मैंने इस पार्ट में बताया है, पार्ट वन वीडियो में। और पार्ट टू में मैं बताऊंगी ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात सारी शिक्षा का विकास, जो पार्ट टू बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो पार्ट आप छोड़िएगा नहीं। तो इसकी जस्ट बाद मैं ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात का सारी शिक्षा का काल में लाऊंगी, जिसमें ताराचंद कमेटी, YMCA, लक्ष्मीबाई सारी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के बारे में, रेहो इंक्वायरी कमेटी के बारे में, और कौल कपूर समिति के बारे में, और क्या कहते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगा पार्ट टू वीडियो में, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात काल में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये था आज का सारी शिक्षा के इतिहास का पार्ट वन वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।